निकाली मुन्ना पर डोला लगला बिलिन की नागिन निकाली मुन्ना। सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे आप लोग BGMI मोबाइल में रॉयल्टीज के लिए UC परचेज कर सकते हो। एंड बहुत सारे बंदे को पता है कि कैसे UC परचेज करना होता है ना करना होता है, लेकिन कुछ बंदों को पता नहीं होता, तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। वीडियो को आपको फुल देखना है तभी आप लोग समझ पाओगे कैसे आप लोग को UC परचेज करना है। काफ़ी सिंपल भाषा में आपको सिखाऊंगा एंड और सो मैं UC परचेज करके भी दिखाऊंगा। अब यूट्यूब पर आपको कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे, वहाँ पर आप लोग को UC बाय करने के लिए काफ़ी सारे वेबसाइट वगैरह बोलेंगे, लेकिन आप लोग वहाँ पर मत जाना बिकॉज वो सब फेक एंड फ्रॉड होते हैं। एंड आप लोगों को सिंपली कैसे UC परचेस करना है सेफ मेथड से, एंड आप लोगों को कोई भी पेमेंट ट्रांजेक्शन या फिर UC मतलब पेमेंट कट गया UC नहीं आए ऐसा कोई देखने को नहीं मिलेगा। पर BGMI का जो ऑफिशियल वेबसाइट मतलब वेबसाइट नहीं सॉरी APK के थ्रू कैसे बाय कर सकते हो आप लोग सीख सकते हो। एंड जिन बंदों ने भी अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बिकॉज यूट्यूब से पहले कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करता हूँ, तो जरूर से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आज के वीडियो में आपको जो मेथड बोलूंगा उसमें से अगर आप बाय करते हो ना तो आपको कोई भी पेंडिंग इशू का इशू मतलब देखने को नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट कुछ बंदे क्या करते हैं कि डायरेक्ट आप लोग UPI से परचेस करते हो, एंड बहुत सारे बंदों का क्या होता है कि अपना जो पेमेंट होता है ना वो पेमेंट अटक जाता है, ठीक है। दैट केस मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे आप लोग परचेस कर सकते हो। तो ये आप जैसे कि देख सकते हो, आप लोग सिंपली जाओगे UC परचेस करने तो आप आपको मतलब UPI का शो होगा। तो अगर काफ़ी बड़े बंदों का ना UPI पे यहाँ पे पेमेंट अटक जा रहा है तो गलती से भी आप लोग कैसे परचेस मत करना। सिंपल भाषा में बोलूँगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना email ID चेक कर लेना है। आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपका email ID कौन सा है, ठीक है। आप जब BGMI खोल के यहाँ पे प्लस बटन पे जाओगे आपको सिंपली सबसे पहले आपका मतलब email ID देखना है। फिर आप देख सकते हो मेरा गूगल प्ले बैलेंस ऐप है ₹0 है, ठीक है। आपका बेसिकली ₹0 आएगा, अगर आपका बैलेंस है तो अच्छी बात है। अब आपको सिंपली आपका पेटीएम फ़ोनपे गूगल पे कुछ भी आप खोल सकते हो, वो आपका मैटर है, आपके पास जो अवेलेबल है आप खोलो। उसमें खोलने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है गूगल प्ले रिचार्ज। आपको यहाँ पे गूगल पे रिचार्ज कोड नाम से मिलेगा, आपको सिंपली आके अमाउंट शो डालना है, ठीक है। आपको यहाँ पे देख सकते हो कितने रुपीज़ का उतने रुपीज़ का अमाउंट डालना है, और जैसे आप पेटीएम गूगल पे UPI पे करोगे ना आपको एक रिचार्ज कोड मिलेगा, ठीक है। आपको सिंपली उस रिचार्ज कोड को ले लेना है। रिचार्ज कोड लेने के बाद आपको सिंपली प्ले स्टोर खोलना है एंड उसी वाले email ID पे, आपको जो मैंने email ID बोला ना उसी वाले email ID पे जाना है। आपको सिंपली जाना है फिर सेटिंग में नहीं जाना है, आपको यहाँ पे एक पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली मिलेगा पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, आपको यहाँ पे जाना है एंड रिडीम गिफ्ट कोड। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, रिडीम गिफ्ट कोड के ऑफर में जाने के बाद आपको जो कोड मिला था, ठीक है, पेटीएम गूगल पे UPI आपने जिससे भी पे किया उस कोड को आपको पे करना है। अब जैसे ही उस कोड को यहाँ पे करके मतलब पेस्ट करके रिडीम करोगे आपका सिंपली जो है गूगल प्ले बैलेंस में आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेमेंट कैसे ऐड होता है ना होता है एक बार। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे अकाउंट पे अभी 150 है, ठीक है, यानी मैं अभी 380 वाला UC का लिया और देख सकते हो मेरे गूगल प्ले बैलेंस 380 शो हो रहा है। आपको सिंपली आपका जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे दबाना है अपना email ID का, ठीक है, आपको वेरीफाई करना है। अब जैसे ही वेरीफाई करोगे आप प्रोसेसिंग करोगे इंस्टेंटली आपको UC आ जाएगा। अभी आप लोग 150 UC दे सकते हो और सिंपली आप लोग देख सकते हो कि आपके अकाउंट पे 450 UC आ चुका है। अब आपको कोई भी वेबसाइट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आराम से खुद ब खुद UC जो है वो परचेस कर सकते हो। काफ़ी सिंपल एंड अच्छा मेथड है, आप ऐसे परचेस करो। एंड गाइस, हमारे चैनल पे रॉयल बस का गिव अवे चल रहा है, तो कैसे पार्टिसिपेट करना है ना करना है मैं डिस्क्रिप्शन पे वीडियो लिंक दे दूंगा, जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड ये मेरी BGMI ID है, तो मेक श्योर प्लीज़ आप लोग इसमें थोड़ा पॉपुलैरिटी वगैरह शेयर कर देना तो अच्छा होता। एंड वीडियो एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है आप लोगों के लिए बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो लाइक कर देना। लेकिन आपको वीडियो से अगर हेल्पफुल लगे आप एक बार चैनल विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। एंड आप लोग एक बार कमेंट में जरूर से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर मेरे एडिटिंग में कुछ भी इशू हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे वीडियो में बता देना। थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बोल देना। थैंक यू।